आप जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो वहां रणनीति बन रही होगी किसी घर में कैसे छापा मारना है। 200 छापे डाले हैं उस, एक भी धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उसे संबंधित या उससे जुड़े हुए लोगों के यहाँ नहीं पड़ा। तो यदि भूपेश बघेल के घर में यदि छापा मार दे तो कौन सी बड़ी बात है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं तक तो नहीं छोड़ा। वो राजनीति प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रजातंत्र में सभी राजनीतिक दल अपने विचार लेके जनता के बीच में जाए, फेयर इलेक्शन हो, लेकिन अभी से इसकी शुरुआत हो गई कि फेयर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि EDIT के माध्यम से जहां अधिकारी कर्मचारियों को डराया जा रहा है, दूसरा उद्योगपति व्यापारी उसे डराया जा रहा है, तीसरा जो राजनीतिक दल के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उसको डराया जा रहा है। और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की कोशिश की गई है और कुछ में सफलता मिली, कुछ में सफलता नहीं मिली। महाराष्ट्र बहुत ताज़ा उदाहरण है, बिना लड़े सरकार वहाँ बदलती रही है। और अभी जिन लोगों को बताए थे बहुत भ्रष्ट है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, सफाया करके रहूंगा, बिल्कुल ठीक कहते हैं। किसी को दूसरे दल में नहीं रहने देना है, सबको भारतीय जनता पार्टी के अंदर ले लेना है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, असम हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, किसी को छोड़ना नहीं है, सब अंदर आ जाओ, सब साफ। भूपेश जी, आपने जो जवाब कर दिया, वो ट्वीट आपने जो किया था, तो उसमें आपने बोला कि मोदी जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद एक अमूल्य तोहफे के लिए, जो ED वाला तोहफा। इससे एक तो ये मुद्दा जो है वो तो है सीरियस जो आप बोल रहे थे, पर आपका जो लहजा था वो भी आज के दिन में वो दिखता नहीं है, या तो कटुता, कट्टरता, या साइलेंस है, या अग्रेशन है। आपको क्या लगता है कि आजकल जो हम लोगों की बातचीत का तरीका है, पॉलिटिक्स की जो बातचीत है, उसमें से ये चीज़ जा चुकी है? हाँ, बात तो सीधा आज के राजनीति जो है, और ख़ासकर ये सोशल मीडिया जब से आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद तो लैंग्वेज की तो वाट लग गई है। सोनिया जी और राहुल जी को ED का नोटिस हुआ था, हम लोग 24 अकबर रोड में कांग्रेस भवन में हम लोग जा नहीं पाते थे, वहाँ जो थे वो बंधक बन गया था और चारों तरफ सड़कें रोक दी गई थी, हम अपने कार्यालय में नहीं जा पा रहे थे। और इस समय, ऐसे समय में मीडिया की क्या भूमिका थी? एक स्वतंत्र देश में, प्रजातांत्रिक देश में, यदि राजनीतिक दल, वो भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल, सबसे पुराना राजनीतिक दल, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता अपने कार्यालय में नहीं जा सकते, तो यदि भूपेश बघेल के घर में यदि छापा मार दे तो कौन सी बड़ी बात है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं तक तो नहीं छोड़ा। आप जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो वहाँ रणनीति बन रही होगी किसी घर में कैसे छापा मारना है, किसको पकड़ना है, मतलब जो मेरे से जुड़े हुए बड़े लोगों को छोड़ दिए, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं उसके यहाँ छापा कल मारे। पर सवाल ये है भूपेश जी कि आप इसको काउंटर कैसे करेंगे? आप याद होगा लाल किले से प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना ही होगा, उन्होंने कहा राजनीति 3 बीमारियों से ग्रस्त है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण। तो जाहिर सी बात है चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा BJP के लिए, तो आप इसको काउंटर कैसे करेंगे? मैं तो पहले ही बताया कि ये खाली बोलना कि देखिए ये सारे ऑपोजिशन पार्टियों के पीछे लगे हुए हैं, ED लगा रखा है, IT लगा रखा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक चीज बताइए, छत्तीसगढ़ में क्या एक ही राजनीतिक दल के लोग हैं और 200 छापे डाले हैं उस, एक भी धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उसे संबंधित या उससे जुड़े हुए लोगों के यहाँ नहीं पड़ा? देश में भी देख लीजिए, क्या कभी आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जुड़े कोई ठेकेदार है, व्यापारी है, उद्योगपति, उसके छापा पड़ा, या वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ छापा पड़ा, या मध्य प्रदेश में पड़ा है? उनके साथ रह के भ्रष्टाचार करें, वो शिष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार नहीं है।